जीवन में हर आदमी के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को अर्जित करने के अंदर बहुत कम लोग उस सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। और इसके पीछे संस्कृत का दोहा भी है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, यानी परिश्रम करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है, केवल मनोरथ करने से, केवल कामना करने से, केवल कल्पना करने से, केवल इच्छाएं रखने से कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो हम अपने जीवन के अंदर ऐसा क्या करें कि हम अपने लक्ष्य को अर्जित करने के अंदर सफल हो जाएं, इसको लेकर के मैं कुछ सामान्य बातें आपके सामने करना चाहूंगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात जो हमारे जीवन में हमको अपनानी चाहिए वो है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत हमारी जहां से होती है वहीं से हमारे पूरे दिन के क्रियाकलाप जो है वहीं से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप सुबह टाइम से उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं को निवृत्त करने के बाद में और योजनाबद्ध तरीके से अगर आप सुबह से ही काम पर लग गए तो आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, आप अपनी सारी योजनाओं को समय पर पूरा करने के अंदर सफल हो जाएंगे। और समय पर उठने का सीधा दूसरा प्रभाव जो है स्वास्थ्य पर पड़ता है कि हमारा शरीर अच्छा रहता है। और आप सभी जानते हैं कि एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि हेल्थी माइंड्स लिव इन ए हेल्थी बॉडी, यानी सफलता का दूसरा मंत्र है काम को प्लानिंग के साथ में करें। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि गेट अप एंड सेट अप योर शोल्डर, यानी आप समय पर उठें, जगें और उसके बाद में आप अपना टारगेट, अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करें। और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सीधी सी बात है प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास में हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना है, एक प्लान है और उस प्लान के अनुरूप अगर हम काम करते चले जाते हैं तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल समयबद्ध तरीके से हम उसको सफलता प्राप्त करने के अंदर सफल हो जाते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे जो IAS या सिविल भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो विद्यार्थी सफल होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो उनका आंसर यही होता है कि वो दिन के अंदर इतने घंटे तक पढ़ाई करते थे, उन्होंने कोर्स को इतनी बार रिपीट कर दिया, यानी उनका प्लान एकदम क्लियर था। इसलिए हमें प्लानिंग के साथ में काम करना जरूरी है। तीसरी बात है समय का सदुपयोग करना। अक्सर होता क्या है कि हम किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमें बीच में कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, आज तो ये काम हमारी इच्छा के अनुरूप या हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं हुआ, तो हम थोड़े से निराश हो जाते हैं और उस बात को चिंतन करने में, मनन करने में हम बहुत सारा टाइम खराब करते हैं। जैसा आपने परीक्षाओं के अंदर विद्यार्थियों को देखा होगा, पेपर करके और जब घर लौटते हैं और घर लौटने के बाद में अपने समय के 2-4 घंटे इसी में लगा देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या था, मुझे क्या देना था, वजह इसके जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया, उसकी चिंता को छोड़ करके हम आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करें और हमारे टाइम का पूरी तरह से अच्छे से अच्छा उपयोग करते हुए आने वाले लक्ष्य को, आने वाली चुनौती को किस प्रकार से पार करना है हम उसके लिए कार्य करें। तो टाइम का सदुपयोग करें, क्योंकि टाइम के विषय में कहा हुआ है टाइम इज मनी, समय से बढ़कर के कोई धन नहीं है, जो समय का सदुपयोग करता है जीवन में वही लक्ष्य तक पहुंचता है। चौथी बड़ी बात है कि हम धैर्य रखें। जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो सरलता से प्राप्त होने वाला भी नहीं है, सफलता से ज्यादा उसमें असफलता की गुंजाइश है। इसलिए असफलताएं मिलने पर आप निराश न हो, हताश न हो, आप डिप्रेशन में न चले जाएं, बल्कि पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें और अपनी जो असफलताएं हैं उन असफलताओं से कुछ सीखें कि मैंने भूल कहाँ की, मैंने गलतियां कहाँ की, उन गलतियों के अंदर सुधार करके फिर प्रयास करें, क्योंकि असफलता में ही सफलता का राज छिपा है। पांचवा बिंदु है लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, आप अगर मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, आप किसी अन्य सेवा के अंदर जाना चाहते हैं, आप कोई खिलाड़ी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया, तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में आप केवल और केवल उसी दिशा में अपना 100% या यूं कहिए 200% केवल उसी दिशा के अंदर काम करें।
ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत तो कर दी, पहले आप एडवोकेट बनने जा रहे थे, रास्ते में कुछ आगे बढ़े, फिर आपके कुछ साथी मिले, फिर आपको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एडवोकेट बनने में क्या फायदा है, चलो अपन तो सिविल सेवा में जाते हैं, वहां आपने 2 साल खर्च कर दिए, फिर आप जो है टीचर बनने की तरफ चले गए। तो इस प्रकार से आप लक्ष्य से बार बार भटकेंगे तो सफलताएं मिलने वाली नहीं है। अगर क्रिकेट का एक बैट्समैन, मान लीजिए बैट्समैन की तैयारी करने के लिए घर से निकलता है और बाद में जाकर के वहां प्रैक्टिस के समय बॉलिंग करता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, वो बैट्समैन अच्छा कैसे बन सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए हम लक्ष्य के अनुरूप अपना संपूर्ण योगदान देवे। छठी और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लक्ष्य से विचलित न होना। अक्सर होता क्या है कि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब हमारे को एक दो बार कुछ असफलताएं मिलती हैं तो हमें बहुत सारे सलाहकार मिल जाते हैं, आकर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान देने लग जाते हैं और हम लक्ष्य से भटकने लग जाते हैं। इसलिए हम लक्ष्य से विचलित नहीं हों। भारत के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया के अंदर डॉक्टरों और वकीलों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर आप इस प्रकार से राह चलते वकीलों की सलाह लेंगे और लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे तो लक्ष्य प्राप्त करना कतई संभव नहीं है। और अंतिम और सातवीं बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि लक्ष्य अर्जित होने तक आप एकाकी जीवन जिए। यहां पर मेरा एकाकी जीवन जीने से मतलब यह है कि हम अपना सारा जो टाइम है वो दोस्तों के साथ में या अन्य किसी प्रकार के साथ में कतई जो है व्यर्थ या बर्बाद न करें, क्योंकि अगर आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो प्राप्त करने के बाद में ये समाज, परिवार, दोस्त वगैरह आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही इन सारी चीजों की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करेंगे तो आपका बहुत सारा समय इन चीजों में व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। जब तक हम लक्ष्य को पूरी तरह से तन्मय होकर के उसी पर अपने दिमाग को केंद्र बिंदु मान करके काम नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य अर्जित नहीं होते। मेरी सलाह आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। जय राम जी की।